तांग सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमात भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः सयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत धंत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबदे पादंबुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। जयतां सुरतोर्भङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजं श्रीराधा मदनमोहन दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो हृष्टलिभिस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवाटतटस्थित कर्षणवेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु न वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हृयाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दवनाला साम संसार दहने दग्ध जीव कुला उधार कारणे करुणा भारी कृपा भारी दाने बंद से गुरु चरणा कमल नित्य दावा जय हरि कीर्तन।
Thank you.
ले लो भाई ले लो। Oh,
Thank you.
Thank you.
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरामुनिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पादोदर सद श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथारीति प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण किया था कैसे दक्ष यज्ञ को शंकर जी के चरण ने ध्वंस विध्वंस्त किया और बाद में शंकर जी को प्रार्थना करने पर शंकर जी यथा योग्य जिसको जैसे करना चाहिए ऐसे करके उनने यज्ञ को उन्होंने पूरी की है। अभी यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं कष्ट अष्टम अध्याय की कथा सुनाते हैं। कहते जो अधर्म भी ये ब्रह्मा की भी ये पुत्र है। तो यहाँ पर अधर्म का वंश को यहाँ विस्तार कर रहे हैं। कहते जो मिथ्या है ये अधर्म का जो पत्नी का नाम ये मिथ्या है। मिथ्या कौन बन सकता? अधर्म तो मिथ्या बोल सकती है ना, इसलिए उसकी भार्या ये मिथ्या। कहते अगर मिथ्या बोलेगा अधर्म फिर उसका पुत्र कौन जन्म लेगा? बोले दम्भ। दम्भ पुत्र उसका दम्भ है। फिर कन्या भी तो ऐसे होगी, इसलिए उसको जो कन्या है कहती है माया है, कन्या उसकी माया। फिर इसमें क्या करते हैं? भाई और बहन में शादी करते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति भाई बहन शादी क्या उचित नहीं, लेकिन ये अधर्म है ना। ये अधर्म होने के नाते कहती ये भाई बहन में भी शादी करते हैं। हमारे भारत में भी कुछ कुछ ऐसे जात लोग हैं जो कि भाई बहन में वो भी अपना परिवार में शादी कर लेते हैं, भाई बहन में शादी करते हैं। इसलिए उसको फिर क्या अधर्म का अंश इधर पुत्र कहते कारण कहते अधर्म इन अधर्म अंश इसलिए इनका जो पुत्र है कहते ये लोभ है और जो कन्या सठता कहते ये भी अपना भाई बहन शादी करते हैं। अधर्म का अंश में हैं कहते हैं इनका जो पुत्र है लोभ है कन्या सठता है
ये लोग भी अपना भाई बहन में ये भी शादी करते हैं, लेकिन उससे फिर प्रकट कौन होता है? कहते उससे प्रकट क्रोध और हिंसा, क्रोध और हिंसा उससे प्रकट होते हैं, हैं? लेकिन इनका पुत्र कौन होता है? बोले इनका पुत्र कली, इनका पुत्र कली। कहते उसकी बहन कौन है? बोले दुरुक्ति, दुरुक्ति मतलब जो कठोर वचन को बोलने वाली है। कहते भगनी दुरुक्ति। कहते इनकी गर्भ में हैं, कहते कली और कन्या भित्ति, कली और कन्या, कन्या कौन प्रकट होती है? कहते भीति, भीति माने डर, भय। कहते पुत्र कौन है? बोले मृत्यु, पुत्र यानी कि मृत्यु। कहते इधर गर्भ है, कन्या सटता है और कोई अपने भाई बहन शादी करते हैं, इन्हें कोरो हिंसा पैदा हो गई। इनकी भक्ति दुरुक्त, इनकी भगनी दुरुक्ति है बहन। कहते हाँ हाँ, कहते इनका जो पुत्र कली है भगनी, इनका जो बहन ये दुरुक्ति, और इनकी गर्भ में जो इनके गर्भ में कली जन्म लेता है, इनकी गर्भ में कली जन्म लेती है, फिर इनकी जो कन्या है वो भीति, कन्या भीति, भीति मतलब डर, भाई भीति, और जो इनकी जो पुत्र है वो मृत्यु, पुत्र इनके मृत्यु। कहते इनकी गर्भ में, कहते इनकी गर्भ में कन्या, इनकी गर्भ में जो कन्या है जो लेती है उसका नाम जातना, अब पुत्र नरक, मतलब लास्ट में इनका, कहते लास्ट में इनका गति क्या है? लास्ट में इनके पुत्र में संतान, मतलब पुत्र मतलब संतान है, फल क्या है? बोले एक दिन नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ये नरक कैसे जीव धीरे धीरे क्या कर्म करने से जीव नरक जाते हैं, ये अधर्म का ये वंश को विस्तार किया। अधर्म कहते ना, ये अधर्म नहीं, ये अधर्म नहीं करनी चाहिए, पाप है, ये सब चीज को यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं। जो पाप अधर्म किया इनका वंश पूरा वर्णना करते हैं। जन्म वर्जन्य तो अधर्म और वंश नरक वर्जन तो बोला है, इनका जन्म नरक है। कहते प्रलय कारण, कहते अगर इसको तीन बार कोई श्रवण करते हैं, कहते ये कथा को अगर कोई तीन बार सुनेगा उसको क्या होगा? उसका आत्ममंगल है, कहते आत्ममल दूर हो जाएगा, आत्मा का मल दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चलेगा ना ये सब अधर्म है, ये सब अधर्म हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए आत्ममल इसकी दूर हो जाएगा। अभी ध्रुव जी का चरित्र आ रहा है, कौन से स्कंद में? चतुर्थ में। अभी अभी ध्रुव जी का चरित्र आ रहा है। कहते प्रिय व्रत उत्थान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया राक्षसां जगत स्थितौ। ये ध्रुव महाराज के चरित्र में कहते हैं, हैं? कहते प्रिय व्रत उत्थान पातौ, कहते जो प्रिय व्रत उत्थान पात, ये ब्रह्मा के तीन बेटी थी, आकुति देवति प्रसूति, और दो बेटे प्रिय व्रत और उत्थान पात है, मनु महाराज की, हाँ मनु महाराज की जो तीन बेटी और दो बेटे में ये आता है। कहते ये जो सत्तरूपा पते सुतो, कहते ये मनु और सत्तरूपा की उनके थे, मैंने कहना तो कहते वासुदेव स कलया राक्षसाम जगत स्थितो। कहते ये जो उत्थानपात ये प्रिय व्रत है ये कौन है? कहते ये वासुदेव का, भगवान वासुदेव का कला में इन लोगों ने जन्म ले करके पृथ्वी को रक्षा, इन लोगों ने रक्षा किया था, क्योंकि यहीं से ही ये सृष्टि हुई, मनुवार जैसे सृष्टि हुई, इसलिए भगवत अंश में ये दोनों जन्म ग्रहण करके धीरे 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 सृष्टि के क्रम यहीं से
सृष्टि का क्रम यहीं से बड़ी थी, इसलिए कहते उनकी यहाँ पर आता है जो उत्थानपाद महाराज के कहते दो स्त्री है, कहते एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि मतलब क्या होता है? सुरुचि उत्थानपाद महाराज की अत्यंत प्रिय है, हाँ सुरुचि इसकी अत्यंत प्रिय है। और जो सुनीति उसका जो पुत्र कौन है? कहते ध्रुव है, हैं ध्रुव है। इसमें जो आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं, कहते सुरुचि मतलब होता है स्वस्य रुचि, स्वस्य रुचि, स्वस्य रुचि मतलब होता है जो अपना मन मानी में मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी, हैं मेरे को जो अच्छी नहीं लगती है मैं वो काम नहीं करूँगी। मतलब शास्त्र की जो शास्त्र का जो विधि विधान को जीवन में जो आचरण नहीं करे, नहीं करके अपना मन मानी ढंग से जो चले, कहती है सुरुचि। कहते सुनीति क्या है? जो जीवन में उत्तम नीति को जो अपनाए, कहती ये सुनीति। बोले जगत में बहुत तरह का नीति है, हैं कहते कि चाणक्य नीति भी है, हैं एक कूट नीति भी है, तरह तरह का नीति है, लेकिन ये सारे नीतियों में कहती ये सर्वश्रेष्ठ नीति किसकी है? कहती ये विदुर नीति है, हैं एक विदुर, विदुर का भी एक नीति है। कहते जो विदुर नीति ये सर्वश्रेष्ठ नीति, ये विदुर नीति, क्योंकि विदुर ने क्या किया, इन्होंने कभी अधर्म मार्ग पर नहीं चले, इसलिए हर समय धर्म का पक्ष में उन्होंने बात किया, इसलिए उनको लास्ट में उन्होंने सच बात बोला। इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, इनको गाली गलौज किया दुर्योधन ने, बोले अगर हम तुम्हारे चाचा नहीं होते हैं ना, जिसकी थाला में खाते हो उसमें छेद करते हो, रहते हो हमारे पास में और पांडवों की तुम बड़ाई करते हो, अगर तुम्हारे चाचा नहीं होता ना तलवार से तेरा सर उतार देता। इसलिए उन्होंने बाद में दुखी होकर के सारे अस्त्र शस्त्र को रख करके अपना मंत्री पद को त्याग देकर उन्होंने चले गए। लेकिन इसका फल क्या हुआ है, एक दिन लास्ट में ठाकुर जी स्वयं धर्म पथ में उन्होंने रहे, एक दिन ठाकुर जी स्वयं इनको घर में आए, इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए अगर जीवन में हम सुनीति को अगर जीवन में अपनाएंगे तो एक दिन फल क्या होगा, इसका एक दिन फल होगा ठाकुर जी स्वयं हमारे घर में ठाकुर जी आएंगे। अभी हम सुन रहे ना विदुर, विदुर मैत्रेय संवाद को हम सुन रहे हैं, इसलिए वहां पर मैत्रेय थे, जब कृष्ण जा रहे थे कृष्ण स्वयं बोल कर गए, बोले मेरे और भी एक भक्त है जिसका नाम विदुर है, तुम ये जो ज्ञान मैं दे करके जा रहा हूँ ये ज्ञान तुम विदुर को प्रदान करना। इसलिए मैत्रेय जी आकर के विदुर को दिव्य ज्ञान प्रदान की। इसका तात्पर्य यह है, अगर जीवन में अगर हम सुनीति को अपनाएंगे तो एक दिन सुनीति अपनाने पर एक फल क्या है, एक दिन भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति। इसलिए इनका पुत्र कौन हुआ, बोले ध्रुव हुआ। ध्रुव मतलब क्या होता है, अटल, अचल, स्थिर, शाश्वत, हैं जो शाश्वत फल प्राप्त होगा। अगर सुरुचि, अगर स्वस्य रुचि को अपनाएंगे तो बेटा कौन हुआ, उत्तम। कहते उत्तम कैसे हो गया, अधम होनी चाहिए ना, हैं उत्तम कैसे अधम, ये बाद में आएगा। इसका मतलब है जो लोग अपना मनमानी ढंग से चलते हैं, शास्त्र का कोई रीति नीति को जीवन में नहीं अपनाते हैं, वो मानते हैं हम जो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, लास्ट में दिखाएगा कैसे उत्तम गया जंगल में, यक्ष के साथ में लड़ाई हुई, यक्ष ने उसको मार डाला, बाद में उनको माता जी उसको ढूंढने के लिए गए तो चारों तरफ में आग लग गई, वो आग लग गई तो चारों तरफ में बीच में ही सुहा हो गई। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर अपना मनमान नीति से चलोगे उसका परिणाम क्या है, पुत्र भी नष्ट और खुद भी जल करके राख बन जाओगे। इसलिए कहते इनके जो पुत्र है, हैं एक दिन क्या हुआ, जो राजा की गोद में उत्तम गोद में बैठा हुआ था, राजा उसको लाड़ लड़ा रहे थे, उसको बड़े प्यार कर रहे थे। अभी बच्चों का स्वभाव है, अगर एक भैया अगर बैठा दूसरे भैया का भी इच्छा होता है, भाई मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। जब उसने गोद में बैठने के लिए कहा, इतने में सुरुचि बड़ी ईर्ष्यान्वित होकर के
हैं, राजा को सम्मुख में पीछे नहीं उसको सामने क्या बोले, बोले तुम राजपुत्र हो सकते हो, लेकिन राजपुत्र होने पर क्या होगा, इसका इसी जीवन में राजा का कोल में तुम बैठ नहीं सकते हैं, गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो, अयोग्य हो। कारण क्या है, बोले कारण है तुम दूसरे के बच्चे हो तो मेरे बच्चे नहीं, इतना तुम्हारी दुस्साहस कैसे हुआ पिताजी की गोद में बैठने के लिए, राज सिंहासन में बैठने के लिए। अगर तू राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो जाओ तपस्या करो, क्या करो भगवान की तपस्या करो, तपस्या करके मेरी गोद से अगर तू जन्म लोगे फिर तुम पिताजी का गोद में बैठ सकते हो। जब इतना बात बताया, लेकिन ये कौन है, ये राजा के बेटा है, ये साधारण नहीं, ये राज बेटा है, इनके शरीर में राज तो जो खून इसका अंदर में प्रवाहित है तो छोटा बता बने पर क्या होगा, है तो बेटा राजा की है ना। कहते मातु सपत्या सुदुरुक्ति बीध स्वसन रुसा दंड हतो जथाही हित्वा मिसंतम पितरम सत बाचम जगाम मातु सरुदन सकाशम। जब उन्होंने इतनी सी बात बोली, लेकिन ये जो वाक्य क्या है, कभी असंगत वाक्य है, जैसे उसका हृदय में जैसे तीर चुभ जाती है, जिसको उसके हृदय में तीर चुभ गई, फिर वहां पर क्या देखा, पिताजी को सामने बोल रहे, पिताजी भी कोई प्रतिकार नहीं, बोले भैया तू इतने कठोर वाक्य क्यों बोलती हो, पिता का कोई प्रतिकार नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर किसी सांप को अगर मारो ना डंडा, डंडे से मारो, मारने पर क्या होता है, उसका बड़ा क्रोध आता है, सर्प बेस्त खल जाती है, जैसे सर्प को जैसे मारने पर जैसे उसको बड़ा क्रोध आता है, ऐसे ही ध्रुवज ने क्रोध में दीर्घश्वास त्याग करते करते अपना आंखों से आंसुओं को बहते बहते अपना मैया को सामने जा करके पहुंची। जब मैया को सामने पहुंची, इतने में सुनत ने देखा ध्रुवज का जो होठ है हैं अधरोष्ट कंपित हो रही, दीर्घ श्वास को परित्याग कर रहा है हैं, और इसको देख करके मैया ने बोले क्या हो गया, फिर उसने अपना गोद में लिया, जो गोद में लिया क्या हुआ, जो उसी समय में अंतपुर के जो माताएं थी उन लोगों ने सब देखा था कैसे सुरुचि ने ध्रुव जी को कैसे डांट लगाई। अभी उसको सुनते अभी उन लोगों ने सारे बात बता दिया, ऐसे ऐसे ध्रुव गोद में बैठना चाह रहा था, आपका जो तुम्हारी जो बीमा छोटी जो तुम्हारी क्या लगते हैं दौरानी, इसलिए उसने हाँ सौतनी सौतनी ऐसे ऐसे बात बोली। इसको सुनते ही सुनीति को तो बड़ा दुख हुआ। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि को अंदर में जैसे हो लता है, जैसे आग को अंदर में जैसे लता को देने पर क्या होता है, उसका जैसे एकदम झुलस जाती है, ऐसे ही सुनीति ने सुन करके एकदम झुलस गई है, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, राजा तो छोटी रानी की बात सुनने वाले हैं है? अपना स्त्री स्त्रैण है, स्त्री के प्रेम में वो बसीभूत है। अभी इस बात को स्मरण करते करते अभी सुनीति रोने लग गए हैं, सुनीति रोने लग गए, मेरे बेटो ऐसे ऐसे बात बोली। यहाँ पर कह रहे बोले दीर्घ सस्वंती ब्रिजनस पार मपस्यति बाल कमाह बाला मामं गलम तात परेशु मस्तम भुक्ति जन जत पर दुखस्तत। देखो यहाँ पर जो श्लोक है ना, इतनी पंडित श्लोक है, अगर ये श्लोक को हम समय हर समय याद रखें ना, जीव कभी दुखी नहीं होगा। ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक, क्योंकि वो सुनीति है, इसलिए सुनीति होने का नाते हर समय अच्छी नीति की बात बताएगी, धर्म की बात वो बोलेगी, ये कभी अधर्म का बात कभी बोलेगी नहीं, क्यों ये सुनीति है। क्या बात उसने बताई, गजब की बात उन्होंने बताई हैं। कहते दीर्घम स्वसंती बिजनेस से पार, यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय उन्होंने देखा ध्रुव जी दीर्घ श्वास को छोड़ रहे हैं, बड़ी दुखी, दुख का कोई शेष नहीं, तब उन्होंने ध्रुव जी को कह रहे बोले बत्स, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊपर में कोई अगर अपकार करता है, बात गाली देता है, हाँ तुमको कोई गाली देता है, कोई अपकार उपकार नहीं अपकार करते हैं,
उसी समय में हमें क्या सोचनी चाहिए, हमें क्या सोचनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं, कहते जो जीव पूर्व जन्म में जो कुछ पाप कर्म करता है, पूर्व जन्म में अगर वो व्यक्ति कभी पाप कर्म पर किसी व्यक्ति को अगर दुख दिया होगा, हैं दुख अगर दिया होगा, कहते वही दुख ही उसको पर जन्म में उसको फिर वही दुख भोगना पड़ता है, हैं वही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ध्रुव जी अपने बेटे को कह रहे, बोले बेटा जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते ना, तत्व अनुकंपा सुसुमिक समान भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है सो कृत विपाकम, अपने जैसे पूर्व जन्म में कर्म किया है वो कर्म का फल ही जीव को भोगना पड़ता है। ये चीज को सोच करके दुखी नहीं होनी चाहिए, कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, इसको भोग करते जाओ। इसलिए तो ब्रह्मा कहते भोग करते जाओ और क्या करो, भगवान की भजन मत छोड़ा करो, भजन नहीं छोड़ करके हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तरफ में क्या बताया, अगर जीवन में अगर कुछ आता है, क्या समझो, पूर्व जन्म का हमने ऐसे कुछ कर्म किया था, ऐसे किसके लिए हमने दुर्व्यवहार किया था, इसीलिए हमें इसे दुर्व्यवहार जीवन में मिल रहा है। लेकिन आगे क्या करनी चाहिए, क्या चुप होकर बैठ जानी चाहिए, नहीं, आगे के लिए कर्म करनी चाहिए, आगे सब कर्म करनी चाहिए। तब यहाँ पर बता रहे हैं अभी तुम्हें क्या करना है, हैं तुम्हें अभी क्या करना, इसको उपाय कहते हैं, बोले आतिष्ठ तत्तात विमत स्थरम स्तम मुक्तम समात्रापि जदव्यलिकम आराधया अधक्ष्य जपाद पद्मम जत इच्छा से अध्यासना मुक्तम जथा। आगे क्या करो, यहां पर कह रहे हैं कि अगर तुम है वत्स, अगर तुम ऐसे जैसे उत्तम को जैसे राज सिंहासन भी उत्तम, लेकिन तू तो बड़ा बेटा, नियम किसको बड़ा बेटे को सिंहासन मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारे सिंहासन में कौन बैठ चाहता है, अभी उत्तम, अगर उत्तम जैसे अगर राज सिंहासन को तुम लाभ करना चाहते हो, फिर क्या करो, कद मात्सर्य को परित्याग दो। क्यों मेरे सिंहासन में अधिकार बन रहा है, वो ऐसे कुछ कर्म किया होगा तभी उसकी गर्भ में जन्म लिया, मैंने ऐसे कुछ कर्म किया होगा तो जो मेरे गर्भ में जन्म हुआ, इसलिए अगर तुम सिंहासन का अगर अधिकार होता तो उसकी गर्भ में जन्म लेता। इसलिए करना क्या है, कद मात्सर्य को छोड़ो, छोड़ करके वो विमाता होने पर भी हैं, लेकिन उसने कुछ अच्छी बात भी बताई। बोले उन्होंने अच्छी बात क्या बताई, बोले उन्होंने अच्छी ये बात बताई, उसने बताया ना अतेंद्रिय जो भगवान है उनकी भजन की बात बताई। इसलिए कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति हो ना, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे मधुमक्खी हर पुष्पों के ऊपर बैठी बैठी करके जैसे मधु संग्रह करते हैं, इसलिए जो सारग्राही व्यक्ति होते हैं ना, हर जगह से अपना मतलब का अपना सार चीज को ग्रहण कर लेते हैं। कहते उसने तो बात बताई, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात बताई, क्या बात, अतेंद्रिय जो भगवान हरि उसकी पाद पद्म की आराधना की बात बताई, ये एक अच्छी बात उसने ये बताई तुम्हें। इसलिए देखो मैं तुमको अकपट में निष्कपट होकर के एक वाक्य कहता हूं, क्या कर उसको तुम अनुष्ठान करो। बोलो वो क्या है अनुष्ठान, भगवान की आराधना, भगवान की आराधना। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर अपना टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, हाँ कहते भैया तुम वो, लेकिन एक गंदी बात होता है, एक अच्छी बात बताए एक गंदी बात बताए, क्या बात बताए, बोले तुम मेरे कोख से जन्म लो, तो अगर मेरे कोख से जन्म लोगे तब सिंहासन में बैठोगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते भगवान की आराधना करके एक पापी ऐसे की गर्भ से क्यों जन्म लोगे, भगवत आराधना करोगे भगवान की, आराधना भगवान करके फिर ये पापी की एक पापी ऐसी की गर्भ में तुम प्रवेश करोगे। इसलिए कहते हैं बरा की खलुवा, कहते इसलिए कहते कहाँ ये सुरुचि अति तुच्छ है, हैं
इसलिए ऐसे व्यक्ति की दासत्व को नहीं करके ताहर किंकर तुच्छ हीन चेत पिता ही कथा है। इसलिए वो कहाँ सुरुचि कहाँ, ये तुच्छ माता कहाँ और वो पिता तुच्छ कहाँ है। इसलिए बेटा इनकी इसकी गर्भ से जन्म लेने का जरूरत नहीं और ऐसे पिताजी की गोद में बैठने का भी तुम्हारे कोई जरूरत नहीं। इसलिए किसकी गोद गोद किसकी गर्भ कहते किसकी गोद में बैठो, कहते ये ब्रह्म पद से भी एक श्रेष्ठ पद है, है? एक श्रेष्ठ पद है जो मुक्ति कामी व्यक्ति भी जिस चरण को प्राप्त करने के लिए वांछना करते हैं, है? कहते वांछना करते भगवान कौन है, कहते भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल। इसलिए कहते मेरे जैसे जो माता हैं, मैं जैसे माता हूँ तो मैं जितने वात्सल्य दे सकती हूँ, कहते उससे करोड़ों करोड़ों गुण जो मातृ वात्सल्य प्रदान कर सकते हैं, हैं कौन। इसलिए अगर तुम उसी भक्त वत्सल भगवान को अगर तुम प्राप्त करोगे तो क्या होगा, जीवन में तुम्हारी जितने दुख कष्ट सब के सब तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। इसलिए है बेटा तुम करो क्या, कर क्या बता रहे हैं, बोले नान्यम तत्पद्म पलाश लोचनात् दुख छितम ते मृगयामि कंचन जो मृगते हस्त गृहीत पद्मया श्रीये तरिरंग विमिज्ञमानया। कह रहे भगवान की, भगवान की क्या महिमा है, भगवत आराधना करने से क्या होता है, उनका नाम क्यों पद्म पलाश लोचन है श्रीहरि, तो यहाँ पर बता रही हैं, हैं? कहते ही भगवान कहते जो पद्म पलाश लोचन, कहते भगवान की क्यों हर उनको अंग को कमल को साथ में क्यों उदाहरण दिया, कहते ना नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिनी नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जागरे, हैं भगवान को सारे अंग को ये कमल पुष्पों के साथ में यहाँ पर उदाहरण दिया है। इसलिए पद्म पलाश उनको साथ में क्यों क्यों उदाहरण दिया, कहते जिनकी दृष्टि से एक है भगवान को, एक तो एक अर्थ होता है भगवान को दर्शन करने पर, हैं करने पर जैसे कमल फूल जैसे आँखों को बड़ा शांति प्रदान करता है, आँखों को आनंद प्रदान करता है, उसी तरह भगवत दर्शन करने से यह आँख तृप्त हो जाता है, ये एक अर्थ है, हैं? और दूसरा अर्थ है उसकी दृष्टि अगर किसको ऊपर पड़े तो, इसलिए भगवान का नेत्र पद्म पलाश लोचन एक तो हमारी आंख को भी तृप्ति देता है, अगर उनकी भी नेत्र अगर और किसको ऊपर पड़ जाए ना उनका भी जीवन का दुख भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान को विश्वनाथ ठाकुर वो कहते हैं, इसलिए भगवान को पद्म पलाश लोचन के साथ में उदाहरण दिया है। इसका मतलब अगर तुम उसका आराधना करोगे, अगर उसका दृष्टि अगर तुम्हारी पर पड़ेगा तो तुम्हारे जीवन का जितने दुख कष्ट सबके सब दूर हो जाएगा, हैं? इसलिए कहते पद्म पलाश, इसलिए कहते पद्म पलाश जो हरि उनको छोड़ करके जगत में कोई भी और हमारे दुख कष्ट को दूर नहीं कर सकते, कोई भी केवल हमारे अगर दुख कष्ट को दूर करने वाले कौन है, केवल ठाकुर जी और कोई नहीं, दूसरे देवादेवी नहीं, क्योंकि दूसरे देवादेवी जो वस्तु देते हैं ना वो दुख का वस्तु प्रदान करते हैं, रुपया नहीं रुपया नहीं, ज्यादा रुपया दे दिया फिर क्या होगा, भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, चोरी डाकू बदमाशी आएंगे, हैं? फिर उसमें ज्यादा भोग में मस्त होकर फिर नरक जाओगे। इसलिए दूसरे देवादेवी वस्तु जो कुछ देते हैं, बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा दे दिया बेटा बात नहीं सुनता है, हैं? दूसरे देवादेवी जो वस्तु देते हैं वो दुख का वस्तु देते हैं। यहाँ पर कहती है अगर जीवन में संपूर्ण जीवन को कोई जीवन का दुख कष्ट कोई दूर कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, केवल पद्म पलाश लोचन श्रीहरि कर सकते हैं। बोले कारण क्या है, बोले ब्रह्मादि देवता भी हैं, कहते जिस लक्ष्मी को देवता ब्रह्मादि देवता जिस लक्ष्मी को अपना हृदय में ध्यान करते हैं, उनके चरण को वंदना करते हैं, वही जो लक्ष्मी वो क्या करती है, कहते वही लक्ष्मी कहते दीप तुल्य पद्म हस्ते, जिनके अपना पद्म हस्त में हाथ में दीप आरती लेकर क्या करते हैं, स्वयं उनकी चरण की पूजा करते हैं, उनकी कृपा को अपेक्षा करती है, कौन, लक्ष्मी स्वयं, हैं, लक्ष्मी स्वयं। इसलिए
इसलिए कहते तार नश्वर फल दाता तुम्हार दुख निर्मूल करते बारे ना पद्म। इसलिए हे बेटा तुम उपासना किसको करो, केवल पद्म पलाश लोचन करो, उनकी है उपासना करो, उनकी कृपा से दुख दूर तुम्हारे हो सकते हैं। हस्तिपत लुद्दिनी ऐसे लक्ष्मी देवी द्वारा जननी उपदेश प्राप्त करे। अभी उन्होंने जब मैया ने इतनी अच्छी अच्छी बात ध्रुव जी को बताए, अभी माँ की ये संतोष मूलक वाक्यों को सुन करके अपना बुद्धि को द्वारा अपना धैर्य को उन्होंने धारण किया। धारण करते ही उन्होंने अपना पितृगृह थे बोला और इस घर में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं भगवत आराधना करूंगा, इसलिए पितृगृह से उन्होंने निकले। जब निकले इतने में नारद जी देख रहे थे, बोले हे भगवान इतना छोटा बालक, लेकिन एक छोटे बालक को अंदर में देखो, इसकी मन में कैसे धैर्य, कैसे इसके मन में इतना छोटा बच्चा और इसी उम्र में भगवत आराधना करने के लिए ये निकला। नारद जी ये चीज को उन्हें देखे हैं, जब उन्हें प्रति नारद इसको इच्छा जान करके विस्मित हो गए और उन्होंने उनका सर को उनका अपना हाथ से, कौन सा हाथ था नारद जी क्या कहते, अभद्र नाशक, बोले जिनकी हाथ अगर किसी सर के ऊपर रख देना उसका जीवन का जितना अभद्र है अमंगल सबके सब दूर हो जाते हैं। उन्होंने ध्रुव जी के सर पर उन्हें स्पर्श किया, तब नारद जी उनको स्वागत करते हुए कहले अहो हैं मान भंग असहिष्णु क्षत्रिय गण की आश्चर्य प्रभाव, कहती है क्षत्रियों का क्या आश्चर्य प्रभाव, क्षत्रियों का बालक होकर भी विमाता का वचन में हैं विमाता का वचन में इतने कठोर समझना और अपना हृदय में भगवत भजन करने का जो पान को ठानना, ये कोई साधारण बात नहीं। 5 साल का बालक अभी क्रीड़ा में, इसी समय बच्चे क्रीड़ा में ही आसक्त रहते हैं। इतने में नारद जी ध्रुव जी को बताए, बोले इस समय तो तेरी खेल कूद का समय है, हैं अभी खेल कूद का समय है, इसलिए तुम अभी भजन करने के लिए कहीं जा रहे हो, हैं अभी तो हम कुछ देखने, सम्मान असन्मान तुम्हारे हृदय में कुछ भी नहीं आनी चाहिए, हैं केवल तुम्हारे जब इस बात को बताए। हाँ, कहते कर्मों के द्वारा ही जीव का जीवन में सुख दुख केवल कर्मों के द्वारा आता है, ईश्वरानुकूल व्यतीत तो कौन भद्र उद्यम ही सफल है ते बारे ना। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जीवन का कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। कहते प्रारब्ध के द्वारा जो कुछ बुद्धि बुद्धि उसी में ही संतुष्ट दरकार, इसलिए प्रारब्ध के द्वारा जीवन में जो कुछ आता है उसी में ही हमें संतुष्ट रहनी चाहिए। कि जिसको तुम प्राप्त करना चाह रहे हो ध्रुव जी वो दुष्पाप पे है, उनको प्राप्त करना इतनी आसानी बात नहीं है। इसलिए साधु लोग क्या करते हैं, असत संग त्याग करके बहु कठोर आराधना करके भी जन्म जन्मांतर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। साधु लोग भी असत संग को त्याग करके जन्म जन्मांतर तक उनकी आराधना करते हैं तब भी उनको प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं उनको, हैं। तब से नारद जी बोले देखो ध्रुव अभी तुमको भजन करने के लिए जाने का जरूरत नहीं, जब बूढ़े हो जाओगे ना, जब बार्थ्य का समय आएगा तब जतन करियो, हैं। हाँ कही तो चे हाँ देखो यहाँ पर और एक बात बता रही, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा भगवान को स्तुति करते हुए जो बात बताए थे, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात नारद जी ध्रुव जी को कह रहे हैं। कहते जीवन में जो सुख और जीवन में जो दुख आता है, सुख दुख में अपना मन को संतुष्ट रखनी चाहिए। बोले कैसे सुख दुख में संतुष्ट रखे, देखो जो उन्होंने यहाँ पर बात बता रही ना, जीवन में ये लाने का बात, अपना जीवन में पालन करने का बात है। अगर सुख आए वा दुख आए कहते मन को संतुष्ट रखो, बोले किस रूप में संतुष्ट रखेंगे, कहते जब सुख आता है हमारे पुण्य क्षय होता है, क्या होता है पुण्य क्षय होता है, लेकिन जो दुख आता है ये पाप क्षय होता है। अब ये बताओ जगत में हम पुण्य क्षय करना चाहते ना पाप क्षय करना चाहते, पाप। जगत में कोई भी पुण्य को नष्ट करना नहीं चाहते, सब चाहते हमारे पाप नष्ट हो, कहते हमारे पाप नष्ट हो पाप नष्ट हो,
लेकिन पाप कब नष्ट होगा? जब जीवन में दुख आएगा। दुख आएगा मतलब हमारे पाप नष्ट हो रहा है और आगे जीवन में अच्छा आने वाला है। जब पाप नष्ट हो जाएगा जीवन में क्या होगा? जीवन में सुखी सुखी आएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ऐसे विचार करके संतुष्ट रहो, ऐसे विचार करके संतुष्ट रहो। देखो और एक बात बता रही, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रही। कहते अगर अपना हमसे हैं, अगर किससे कोई व्यक्ति को अच्छे गुण व्यक्ति को अगर देखते हो उसको प्रति क्या करो? प्रीति हो। अगर हमसे कोई अच्छे व्यक्ति है पर हम हमारी अंदर में जो गुण हैं, हमसे भी किसको अंदर में अच्छे गुण हैं उसको क्या करनी चाहिए? उसको प्रति तो प्रीति युक्त हो। अगर तुमसे कोई गुण ही, अगर तुमसे कोई निकृष्ट व्यक्ति का देखो, गुणहीन व्यक्ति का देखो, उसको ऊपर में कृपा करो। अगर स्व समान व्यक्ति, अगर किसी बराबर व्यक्ति को अगर देखते हो उसको साथ में मित्रता करो। अगर ऐसे करोगे ना फिर जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, अपना दुख में जितना दुखी नहीं दूसरे का सुख में उतना दुखी होते हैं, होता है ना। अपना अंदर में जो दुख है उसमें जितना दुखी नहीं, दुखी किस लिए? दूसरे का सुख में दुखी। हमारे पास में ऐसी गाड़ी देखो, उसको पास में हमारे से कितना बढ़िया गाड़ी, हमारे पास में 2 मंजिल 1 मंजिल, उसको पास में 3 मंजिली मकान है, हैं? इसलिए हमारे अंदर में ये गुण, हमसे अंदर में उसके अंदर में ज़्यादा गुण है, इसलिए इस सब चीज़ से हम ज़्यादा दुखी उसी चीज़ में होते हैं। लेकिन ये नारद जी एक एक सूत्र बता रहे हैं, अगर तुमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को देखे उसको प्रति क्या करो? उसके प्रति तुम प्रीति करो, उसको तुम प्रेम करो। अगर तुमसे नीचे कोई व्यक्ति गुण से देखो उसको पर कृपा करो। अगर बराबर अगर व्यक्ति देखते हो उसके साथ में तुम मित्रता कर, फिर तुम्हारे अंदर दुख नहीं कभी आएगा। जब उन्होंने ये बात बताई नारद जी ध्रुव जी को, ध्रुव जी ने कहा नारद जी आप जो बताए ना ये बात तो सही बात बताए, लेकिन मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन बीमा था कि जो वाक्य है ना मेरे शरीर में तीर जैसी चुभ गई है, लेकिन मेरे लिए अभी इस बात को, हाँ मेरे लिए ये बात को अभी हजम करना मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ मैं क्षत्रिय बालक हो स्वभाव, इसलिए मेरे जो स्वभाव है दुर्बी दुबीर देता, मतलब जिस स्वभाव को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे हृदय एकदम तीर जैसे भेद कर गया है। तब उन्होंने जब ये बात बताए उसको बाद में फिर नारद जी फिर क्या बात बताते हैं, फिर हम इसको कल सुनेंगे, उनको आगे की क्या बात उनको बता रहे हैं। बोले वंशा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।